जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप एक नया फॉर्म आया है किस चीज़ का आया है, BSF का। देखिए यह टेलीग्राम चैनल है नेशनल कोबरा कैरेट्स, इस वाले ये आप टाइप करके यहाँ पे सर्च करके आप इस चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है। और मैं लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ऐसे लिंक जल्दी काम नहीं करता है, वो रिट्राइड फेल लिख देता है, ठीक। ओके, तो आप यहाँ से टाइप करके आ जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पर इंटीमेट थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे किया, या जो है आपका बहुत ही अच्छी भर्ती आ चुकी है, जैसा आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। एक मिनट मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे यह किस चीज़ का भर्ती आपका आया है, मिनिस्ट्रियल का। हाँ भाई, मिनिस्ट्रियल का भर्ती जल्दी नहीं आता है। तो आपका इसके पहले किस चीज़ का आया था, असम राइफल का आया था। असम राइफल का आने के बाद फिर किसका आ गया था, उसी के आसपास आपका सबसे पहले दिल्ली पुलिस का आया, असम राइफल का आया, फिर आपका आ गया SSB का, फिर आपका किस चीज़ का ITBP का, फिर BSF का, असम राइफल का दोबारा आ चुका है, ये दोबारा वाला जो फॉर्म फिल हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टोरेट। यह है कि किस चीज़ के लिए आए, किस पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनो के लिए है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। दो इसमें है, पोस्ट दो है, कौन सा आप यहाँ पे देख लीजिए, ASI स्टेनोग्राफर है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। स्टेनोग्राफर में आपके क्या चाहिए, स्टेनोग्राफर में आपको शॉर्ट हैंड का आना चाहिए, और इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में, ये जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में आपको टाइपिंग होना चाहिए। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबिलिटी कॉम्बटाइज्ड पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यह है, और ये सब है। अब देखिए ASI का जो है कि अनरिजर्व्ड EWS OBC SC के लिए एक भी सीट नहीं है, आप सिर्फ ST वाले स्टेनो में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 11 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अनरिजर्व के लिए 154 है, और 41 CWS के लिए, OBC के लिए 65 है। उसके बाद चलिए SC पे आपका 38 है, और ST पे इतना 14 है, 312 इसके लिए है। 10% वैकेंसीज आपके एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया, वैकेंसीज आपको बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। 30 दिन आपको जब ये एडवर्टाइजमेंट में निकलेगा, आपका ये समझ लीजिए कि आपका ये जुलाई लास्ट से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। और आज आपका कितना डेट है, आज आपका है यहाँ पे देखिए 28 तारीख है, यानी कि आपका अभी 2-3 दिन में इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए, अभी मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ पहले से आपको क्या करके रखना है, ओके। और यहाँ पर देखिए सैलरी देख लीजिए, ASI जैसे कि हेड कांस्टेबल्स एक पद ऊपर है ASI, तो इसका सैलरी जो 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक होगा, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पे लेवल 4 है, और इसका 25,500 से 81,100 रुपये तक रहेगा। एज लिमिट 18 से 25 साल, और OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो सर्विंग पर्सनल लोगों को और छूट मिलेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+10+2 रहना चाहिए, और बस इतना ही आपका क्वालिफिकेशन है, और टाइपिंग वाइपिंग सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा है। और अगर आपका टाइपिंग इसमें जो एक्सपेक्टेड है आपका है, इसमें स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड आपका 80 वर्ड पर मिनट मांगेगा, और इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का आपका इसमें मांग सकता है, ठीक है। और आप इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपना आप क्या कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका वही रनिंग होगा, कितना होगा, 1600 मीटर होगा, आपको 6.5-7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप हो सकता है, और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। पहले इसमें क्या होगा कि आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फिजिकल या पेपर हो जाए, जो भी होगा। अभी ज़्यादा खुल के इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, अभी कुछ दिन में आपका पता चल जाएगा, जैसे ही अपडेट मिलेगा पूरा पक्का वाला, आपको फिर मैं उसी के हिसाब से इंटीमेट कर दूंगा, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और आपको क्या करके रखना है, सबसे पहले से फॉर्म आने से पहले से आपको BRE
RECTTBSF पे जाके आप अपना क्या करिए, यहाँ पर जाइए रजिस्टर और न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करिए। मैं पहले लिंक पर क्लिक किया हूँ और यहाँ पे आ जाइए, और आने के बाद कैंडिडेट्स लॉगिन पर क्लिक करिए, यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करिए। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स में आपके कितने 4-5 लगेंगे, कौन कौन सा आपका लगेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर NCC किए हैं तो NCC का सर्टिफिकेट, यही सब सर्टिफिकेट लगेंगे, जो कि 0.1 MB से कम होना चाहिए, यानी कि 100 KB से नीचे होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा, ठीक है। 100 KB से नीचे तक आप रखे रहिएगा और यहां से आके आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आपके मेल ID पर जाता है इसका पासवर्ड, वहां से जाके आप इसको बना सकते हैं। तो और एग्ज़ाम का बात कर लेता हूँ, वैसे इस वीडियो में इसी के बारे में सिर्फ बात करना था, उसी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्ज़ाम का क्या होगा। एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश, हिंदी, जनरल इंग्लिश आएगा और हिंदी का बहुत कम चांस है। अगर हिंदी रहेगा भी तो आपका ऑप्शनल में रहेगा, वैसे हिंदी का बहुत कम चांस है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस अभी करिए, जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और जनरल इंटेलिजेंस आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा, जो रीजनिंग वीजनिंग आपका वही सेम एज यूजुअल वाला सब्जेक्ट रहेगा जो कि SSC में आता है, SSC जो BSF का कराता है या असम राइफल में जो आता है। जैसा होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में 5-6 मिनट की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।